अरे सिंचन चॉप किधर हो तुम लोग? चलो यार जल्दी से, हम लोगों को टोनी के पास जाना पड़ेगा। टोनी ने फोन किया था यार, पता नहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अरे फ्लैशर भैया, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? टोनी अंकल तो खुद के एवेंजर है, आखिर उनको हमारी मदद की क्या जरूरत है? पता नहीं यार सिंचन, अब तो जाने के बाद ही पता लगेगा। अबे चॉप तू चलेगा कि मैं चला जाऊं अकेले? अरे हाँ चलता हूँ ना। चलो चलो जल्दी से चल करके कार पे बैठो। अरे यार फ्लैशर ये क्या यार, तूने इतनी बड़ी बैटमोबाइल क्यों ले ली? अरे चॉप, हम लोगों को ये नहीं पता है ना यार कि वहाँ पर कितना बड़ा कोई दुश्मन अगर आ गया हो तो भाई, अगर वो हम लोगों पर अटैक कर देगा तब अपन लोग क्या करेंगे? इसीलिए मैंने यार इतना बड़ा बुलेट प्रूफ बैट मोबाइल्स ले लिया है कि भाई अगर उन लोगों ने मेरे पे हमला भी किया ना तो अपन लोग को कुछ भी नहीं होगा। सही क्या फ्लैशर भैया, और मैं इस गन से सबको भून डालूंगा। तो चलो भाई फटाफट से चलते हैं आयरन मैन के पास और देखते वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में फ्लैश ओपी लिख दो। इतना तेज कार चलाओगे, वहाँ जाने से पहले हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। अरे हाँ यार, ऐसे कैसे कार चला रहा है यार, सामने वाले सारे कार को तूने ठोक डाला। बाल बाल बचा यार, मैं आज के बाद फ्लैश ओपी भैया की कार में मैं कभी नहीं बैठूंगा। अरे सिंचन चौक, तुम लोग बेकार में डरते हो, तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं होने देता। अब चलो जल्दी से कार से उतरो, अपन लोग को अंदर जाना है। मैं जाता हूँ आयरन मैन के पास, तुम लोग पीछे से जल्दी से आ जाओ। भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, आयरन मैन इतना ज्यादा तो भाई टेंशन में नहीं लगता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही प्रॉब्लम। ओए बता आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ है? अरे यार फ्लैश ओपी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार, मैंने एक मैजिकल अंडा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, वो जिसके पास भी होगा वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा, मैंने उसको अपने इस लैब के अंदर रखा था। तो क्या हो गया यार? तुम खुद देख लो, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है। अरे यार ये तो खतरनाक चूचू चाल्स है, पर ये तेरे लैब के अंदर क्या कर रहा है? वही तो फ्लैश ओपी भाई, ये हमारे घर के अंदर आ जाता है और आकर के ये अंडा चोरी कर लेता है, और अगर मैं इससे इस मैजिकल एक को नहीं हासिल किया तो ये पूरे लॉस सैंटोस को बर्बाद करके रख देगा। हम लोगों को जल्दी कुछ करना पड़ेगा फ्लैश ओपी भाई। यार टोनी, अगर ये मैजिकल एक उसके पास है तो वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। भाई अगर उसको रोक रहा है तो मेरे को कोई सुपर सूट चाहिए होगा, पर मेरे पास तो कोई भी सुपर सूट नहीं है। कम से कम तेरा आयरन मैन वाला सूट ही दे दे। यही तो प्रॉब्लम है फ्लैश ओपी भाई, मेरे पास मेरा आयरन मैन वाला सूट भी नहीं है। अरे भाई तो मैं इसको रोकूंगा कैसे? अरे फ्लैश ओपी भैया, मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास हल्का एक सूट है, अगर आप चाहो तो उसको ले सकते हो, पर उसको अपग्रेड करना होगा आपको। क्या बात कर रहा सिंचन, सही में तेरे पास सुपर हल्का सूट है? चलिए जल्दी से मेरे को दे दे, मैं बाद में उसे अपग्रेड कर लूंगा। ओ भाई साहब, ये वाला हल्का सूट तो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। भाई मेरे को तो लगता है मैं इसी में भाई उस चूचू चार्ल्स वाले ट्रेन को हरा करके वो सुनहरा भाई अंडा लेकर के आ जाऊंगा। और फ्लैश ओपी के बच्चे ऐसी गलती ना करना, ये उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है। अरे हाँ ठीक है, मैं समझ गया यार, पहले मुझे इसे अपग्रेड करना है। तो कोई नहीं गाइस, अपने को पहला बात तो यार कि अपने को एक सुपर हल्का सूट मिल चुका, अब बस अपने को इसको अपग्रेड करना है, उसके बाद चूचू चार्ल्स से फाइट करके वो मैजिकल अंडा लेकर के आ जाऊंगा, काफी आसान है। पर भाई मेरे पास इसको अपग्रेड करने के लिए पैसे नहीं है, पहले तो मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, कोई ना कोई काम देखना पड़ेगा, जैसे यार मैं ढेर सारे पैसे कमा पाऊं और अपने इस हल्क सूट को अपग्रेड कर पाऊं। अब मुझे पता नहीं यार यहाँ पर काम क्या मिलेगा, कोई तो मिलना चाहिए जो मुझे कोई काम दे दे जिससे मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएं। एक मिनट गाइस, ये क्या, ये तो सामने यार वही खतरनाक चूचू चार्ल्स है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? एक काम करता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, पता तो चले आखिर ये कर क्या रहा है। अरे सेठ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपना सारा पैसा मेरे नाम कर दो। अरे क्या बात कर रहे हो, अगर मैं अपना सारा पैसा तुम्हारा नाम कर दूंगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ये मेरे पूरे जिंदगी की कमाई है, मैं नहीं दे सकता। तो अपनी उल्टी गिनती गिनना चालू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, ये चूचू चार्ल्स ट्रेन तो काफी ज्यादा खतरनाक है। एक काम करता हूँ, मैं इधर से चुपके से खिसक जाता हूँ, मैं अभी से फाइटी ले सकता यार, ये काफी। ओ भाई ये क्या हो गया, ये मेरे सामने कैसे आ गया? किधर भाग रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच सकते हो? अच्छा तो तुम उन सारे एवेंजर्स में से एक हो, तब तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें बस एक नॉर्मल सफाई वाला यहाँ पर कूड़ा उठाने आया था, मेरा काम हो चुका है, मैं इधर से निकलता हूँ, आप अपना काम करो जो करना है। भाई साहब भाग 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 इधर से भाग, फ्लैश ओपी भाग, अगर मैं इसके सामने रुका ना तो ये सही में मुझे कच्चा चबा जाएगा। तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं किसी भी एवेंजर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी यार इसकी साइज इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई? भाई लगता है ये सब कुछ मैजिकल अंडे के कारण है। यार मेरे को इधर से निकलना पड़ेगा, अगर मैं इसे अभी फाइट करूंगा ना तो ये सही में मुझे भाई मार ही डालेगा। पहले मुझे खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसे फाइट लेने आऊंगा। बाल बाल बचा यार, अब पता नहीं यार मैं अपने सूट को अपग्रेड कैसे करूं, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ए बिड़े, मुझे लगता है कि तुझे पैसे की जरूरत है, अगर तू चाहता है पैसे कमाना तो मैं तुझे ढेर सारे पैसे दे सकता हूँ,
पर उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। ओए कैसा काम? जल्दी बता, मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं। अरे बीड़ो, तेरे को बस मेरे लिए कार लेकर कहना है। बस प्रॉब्लम यह है कि वो कार एक माफिया डॉन का है। अगर तू वो ला देता है तो मैं तुझे $1,000,000 दूंगा। ओ भाई साहब, ये तो काफी ढेर सारे पैसे है। एक काम कर, तू पैसे रेडी रख, मैं अभी तेरी वो कार लेकर आता हूँ। अभी यार, मुझे लगा था यहाँ पर एक दो बंदे होंगे, पर यहाँ तो ढेर सारे बंदे हैं। यार अब मेरी गाड़ फट रही है भाई, यहाँ पर इन सारे लोगों को घर मारने गया। और यार मेरे पास तो सुपर पावर्स भी नहीं है। बट कोई नहीं गाइस, अपन लोग को ये एक मिशन करना ही पड़ेगा, मेरे को वो कार किसी भी हाल पे चाहिए। तो चलो गाइस, ऊपर वाले का नाम लेकर के इन सबको ठोक डालते हैं। पर उससे पहले तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई, अगर नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आई, तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। चलो गाइस, चलो बूम बाम करते हैं। एक एक को छोड़ना नहीं है भाई, पहले तो सामने वाले को उड़ा देता हूं, उसके बाद पीछे वाले को उड़ाऊंगा। गाइस मेरे को तो लगा था यार ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, पर मुझे लगता है कि मैं इन सबको मार करके वो खतरनाक कार लेकर के यहां से जा सकता हूं। पर वो कार आखिर है किधर? ओ भाई साहब, ये कार मुझे दिख गई है। और वो रहा उसका बॉस, उसको भी उड़ा देता हूं यार, कहीं वो मुझे ना मार दे। ओ भाई साहब, मैंने सारे लोगों को मार दिया, बस एक और बचा और ये भी खत्म। गाइस फाइनली अपन लोग को ये कार मिल चुका। अबे यार ये फिर से खड़ा कैसे हो गया? फाइनली गाइस हम लोगों को ये कार मिल चुकी है, पर इस कार को यार मैं नीचे कैसे लेके जाऊंगा, ये तो बिल्डिंग के ऊपर है। बट कोई नहीं गाइस, मैं उतना लंबा रास्ता तो नहीं लेके जाने वाला, यहाँ से लेकर के जाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इस कार को ऊपर से नीचे कुदा देता हूँ। हाँ यार, यही वाला मस्त आइडिया। तो चलो यार, इस कार पे पहले बैठते हैं अपन लोग, उसके बाद देखते हैं किधर से कुदाना है। मेरे को तो लगता है यार इधर से काफी ज्यादा सेफ है, हाइट भी काफी कम है, तो मैं इधर से कुदाऊंगा। पहले तो कार पे बैठता हूँ, उसके बाद कार को लेकर चलता हूँ सीधे जंप कराने के लिए। भाई यहाँ से सीधे नीचे की तरफ जंप मारनी है, और भाई ये कार टूटनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो यार मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। भाई ये ठुक गई भाई, ठुक गई यार, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को लगा था ये टूट फूट जाएगी। बट गाइस सीधे नीचे, और भाई साहब हल्की सी कांच भी इसकी टूट गई है, पर मैं जाने से पहले इसको रिपेयर करा दूंगा। और भाई साहब वो टूट, भाई खड़ा हो जा, अभी क्या हो गया? और फाइनली गाइस, ओ नहीं यार, इसका तो पीछे वाला भी कबाड़ हो गया। ओ भाई, अब मुझे अपने पॉकेट से पैसे लगा के इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो गाइस इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद मैंने इसकी गाड़ी सही सलामत यहाँ पर ला दी है। ओए ले भाई, तेरी कार यहाँ पर आ चुकी है, अब मुझे जल्दी से सारे के सारे $1,000,000 दे दे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, काफी देर से पॉकेट खाली है। गाइस अब $1,000,000 देने के बाद मैं इस सूट को आराम से अपग्रेड कर दूंगा। ओए सुन, लगता है तुझे और भी पैसे की जरूरत है। मैंने $1,000,000 तेरे अकाउंट में तो डाल दिया है, पर अगर तू चाहता है कि और भी पैसे कमाना, तो तुझे मेरे लिए एक और कार लाना पड़ेगा। ये कार मिलिट्री बेस में है। अगर तू वहाँ से मेरे लिए बैटमोबाइल ला सकता है, तो मैं तुझे $5,000,000 दूंगा। पर मैं तुझे पहले बता दूं, वहाँ पर काम ज्यादा खतरनाक है। अगर तू वहाँ पर इसी तरह गया ना, तो शायद वो लोग तुझे गोलियों से भून डालेंगे। अरे भाई बस तू पैसे रेडी रखना, मैं ज्यादा हूँ, फटाफट से तेरी वो खतरनाक वाली कार बैटमोबाइल लेकर के आता हूँ। पर गाइस ये काम करने से पहले मुझे अपने इस सूट को अपग्रेड करना पड़ेगा यार, क्योंकि इस सूट में तो मैं यार फाइट नहीं कर सकता। तो चलो भाई फटाफट से इसको अपग्रेड करते हैं। और ये देखो बॉय, मेरे पास कितनी खतरनाक सूट आ चुकी है। तो चलो भाई फटाफट से चलते हैं मिलिट्री बेस और वहां जाकर के बैटमोबाइल लाते हैं। पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। और यार ये आ चुका हूं मैं मिलिट्री बेस, और गाइस मेरे पास तो काफी खतरनाक पावर्स आ गए भाई, मैं कितनी लंबी लंबी छलांग लगा रहा हूं। बट यार सबसे पहले तो मुझे वो बैटमोबाइल्स के बारे में पता करना पड़ेगा। ओ गाइस ये क्या, वो तो सामने पड़ी है भाई, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यार आज तो लॉटरी लग गई भाई, मैं इसको आसानी से लेकर के यहाँ से फटाफट से निकल सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। यार ये क्या भाई, ये मिलिट्री वाले बंदे फटाक से कैसे आ गए? लगता है यार इन सबको पहले उड़ाना पड़ेगा मुझे, तभी जाकर के मैं ये कार लेकर के जा सकता हूँ। यार दो चार है, सबसे पहले इन सबको मार देता हूँ यार, किसी को पता भी नहीं लगेगा। उन्हें गाइस ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये बंदे बढ़ते ही जा रहे हैं यार, जहाँ तहाँ से आने लग रहा है, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? लगता है गाइस मुझे सबको मारना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये बैटमोबाइल्स मैं यहाँ से लेकर के जा सकता हूँ। ओ नहीं यार, पहले तो छत पर खड़ा होकर के मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कितने सारे बंदे हैं। लगता है यार एक और आ गए जिप्सी इनकी, और भाई सब कहीं टैंक वैंक ना आ जाए, टैंक आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा लग रहा है गाइस कि ये लोग मेरा इंतजार कर रहा था। भाई यार छोड़ दो, एक छोटी सी कार ही तो है, कार में क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमको इसके बदले दूसरी कार लेकर आ जाऊंगा। ओ भाई साहब ये तो बचुका चला रहा, कितना खतरनाक बंदा है। ओ नहीं गाइस ये क्या, ये तो टैंक भी आ गए। तुझे बताता हूँ, तुझे पता ही नहीं है मेरे अंदर कितना पावर है भाई, दद्दू हल्के पावर है, इसके सामने कोई भी नहीं टिकने वाला। भाई साहब ये लोग तो यार भारी नहीं मान रहा, फटाफट से कहां से आ रहे पता नहीं चल रहा है। गाइस अपन लोग को सबको उड़ाना पड़ेगा, सारी चीजें अपन लोग बर्बाद कर देंगे, इन लोगों को पता ही नहीं हमारे अंदर कितना ज्यादा पावर। और ये देखो भाई, मैंने इनकी फाइटर प्लेन को भी बर्बाद कर दिया। ओ नहीं गाइस ये क्या, यहां पर तो दो-दो भाई सब दो-दो टैंक आ चुके हैं, मेरे को इन सबको भी उड़ाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता जब मैं कार लेकर के जाऊं ये लोग पीछे से हमला कर दे, और गाइस इस तरह तो मेरा कार भी बर्बाद हो जाएगा। ओ भाई साहब हटो हटो, दूर हटो दूर हटो, गाइस इन सबको काफी दूर हटाऊंगा। अब जल्दी से अपनी कार ये उठाता हूं, उसके बाद फटाफट से निकल जाता हूं, नहीं तो यार मैं यहां पे
लड़ते रह जाऊंगा और टाइम निकल जाएगा। तो चलो गाइस, अपन लोग को ये बैटमोबाइल जल्दी से लेकर के निकलनी पड़ेगी और जाकर के इसको डिलीवर करके अपन लोग को सारे के सारे पैसे लेने पड़ेंगे, नहीं तो यार हम लोग इस चीज से अपने सूट को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो भाइयों, जब तक मैं जाता हूँ इस बैटमोबाइल को पहुंचाने के लिए, तब तक तुम लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दत्तू हल्क ओपी लिख दो, क्योंकि इसके कारण ही भाई अपने को ये बैटमोबाइल मिली है। फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ये खतरनाक बैटमोबाइल लेकर के। अब जल्दी से इसको देते हैं और अपने $5 मिलियन लेते हैं। चल भाई सब, ये देख तेरी ये खतरनाक बैटमोबाइल तेरे पास आ चुकी है, अब मुझे मेरे $5 मिलियन दे दे। गाइस, हम लोगों को अपने सूट को और भी खतरनाक अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो यार हम लोग उससे फाइट नहीं ले पाएंगे, वो चूचू चास काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर ऐसी बात है तो तुझे तो और पैसे चाहिए होंगे, मेरे लिए एक और कार लेकर के आ जाए और मैं तुझे इस बार $100 मिलियन दूंगा। भाई डायरेक्ट $5 मिलियन से $100 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम है गाइस। अरे हाँ, क्योंकि काम भी काफी ज्यादा खतरनाक है। प्रिजन से तुझे एक खतरनाक बाबा जिसके पास सुपर पावर्स है उससे कार चोरी करके लानी पड़ेगी। वो कार का बहुत बड़ा शौकीन है, अगर तू उससे उसकी बर्गर वाली कार लेकर के आ जाएगा तो मैं तुझे $100 मिलियन दूंगा। बोल, डील पक्की। गाइस, अगर इतने सारे पैसे आ गए तो मैं सबसे महंगी वाली सूट लेकर आ सकता हूँ। चल यार, तू अपने पैसे रेडी रख, मैं अपना काम करके आता हूँ। पर उससे पहले गाइस, हम लोगों को अपने सूट को अपग्रेड करना पड़ेगा, एक खतरनाक सूट लेना ही पड़ेगा। तो चलो गाइस, इस सूट को अपग्रेड करते हैं। और ये देखो यार, मेरे को इतना खतरनाक सूट मिल रहा है, चलो इसी को अपग्रेड कर लेते हैं अपन लोग। तो गाइस, $5 मिलियन में मेरे को ये ब्लू हल्क वाला मिल गया सूट गाइस, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा है। बट गाइस, देखते हैं इससे अपन लोग वो काम कर सकते हैं कि नहीं। ओ भाई साहब, इसमें तो भाई तलवार वलवार भी है, भाई ये वाली तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। बट गाइस, अपन लोग को ये भी नहीं पता कि वो बाबा जी कितने ताकतवर है। अगर अपने को इस कार के लिए $100 मिलियन मिलने वाला है तो गाइस ये तो पक्का है कि ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है, वो बाबा काफी ज्यादा ताकतवर होगा। पर यार, अपने को पहले पता लगाना पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ओ भाई साहब, ये क्या, ये जेल के बंदे लोग भी मुझ पे गोलियां मार रहे हैं। गाइस, मुझे वो कार तो दिख चुकी है, चलो जल्दी से चलते हैं और जाकर के उस कार को चोरी करने की कोशिश करते हैं। यार ये क्या, ये बाबा यहीं पर है। ओए बाबा जी सुन लो, मुझे ये कार चाहिए, चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो भाई मैं तुम्हें धो करके ये कार यहाँ से लेकर के जाऊंगा। यार ये मिलिट्री वाले बहुत परेशान कर रहे, पहले तो इन सबको ठोकता हूँ, उसके बाद इधर से कार लेकर के जा पाऊंगा। भाई साहब ये क्या हो गया, बाबा जी तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, लगता है यार बाबा जी सो गए, जल्दी से इस कार को उठाता हूँ उसके बाद इधर से निकल लेता हूँ अपन। लगता है बच्चा तुझे गलतफहमी हो चुकी है, तुझे लगता है कि मैं अपनी कार तुझे ऐसे ही दे दूंगा। तू ताकतवर होता है पर तू मुझे नहीं हरा सकता। अरे बाबा जी, प्यार से तो मांगा था वो कार, दे नहीं सकते थे क्या? अब मार खाने की बारी है, रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे अंदर कितना खतरनाक पावर है। ये देखो मेरा सुपर पंच, इससे तो आप बच ही नहीं पाओगे। चुपचाप यहाँ से निकल जाने तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गाइस, लगता है ये बाबा जी प्यार से नहीं मानने वाले, इनको धोना ही पड़ेगा, उसके बाद ये कार अपन लेके जा सकते हैं। चलो गाइस, इन पे मुक्के बरसाते हैं, तभी जाकर इनको पता लगेगा, पता लगा बाबा जी मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा ये सुपर ब्लू वाला हल्क सूट काफी। अरे भाई, ये बाबा जी तो काफी ताकतवर है यार, मुझे लगा था ये पुड़ाव में इतना ताकत नहीं होगा, बट इसमें पावर तो काफी ज्यादा है। लगता है गाइस, अपन लोग को अपनी सारी ताकत यूज करनी पड़ेगी, इस बाबा जी को दिखाना ही पड़ेगा हम लोगों में कितना ज्यादा ताकत है। एक मिनट यार, ये बाबा जी कहां चले गए? अबे यार, ये पीछे क्या कर रहा है? भाई साहब ये तो चीटिंग है गाइस, ये पीछे से आकर के हमला कर रहा है, अब तो मुझे काफी जोर की गुस्सा आ रही है। भाई अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला, पर ये मुझे मौका ही नहीं दे रहा। ओ भाई साहब, ये कितना स्ट्रांग है। अरे यार, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी से बाबा जी को फिनिश करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा। ओ भाई साहब, बाबा जी रुको तो, अरे एक मिनट टाइम तो दे दो यार। रुक जा, तुझे मैं बताता हूँ, बाबा बुढ़ाओ तुझे अभी पता लगेगा तूने किससे पंगा ले लिया है। गाइस, मुझे अपने सबसे शक्तिशाली इन्फिनिटी स्टोन से इस पर हमला करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ होगा। अब पकड़ में आए ये बाबा, इसको तो अभी बता, तो मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा, उसके बाद पता लगेगा इसे किसने पंगा हो गया इसका। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, बाबा जी तो फुस हो गए। गाइस, इनका काम तमाम हो चुका, अब जल्दी से चलते हैं, इनकी कार उठाते हैं और अपन लोग इधर से खिसक लेते हैं। मैं नहीं चाहता यार मिलिट्री वाले बंदों के साथ फिर से पंगा हो जाए। और गाइस, जब तक मैं इनकी कार चोरी करता हूँ, तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख दो यार फ्लैश ओपी। और ये देखो यार, ये है बाबा जी का बर्गर कार, पता नहीं यार ये कौन सी कार है। बट गाइस, अपन लोग को क्या, बस ये कार पहुंचाना है। ओ भाई साहब, ये तो चली नहीं रही है यार, कहीं घूमना भी टक्कर लग रही है। भाई ये कार चलाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, मुझे इस कार को संभाल करके लेके जाना पड़ेगा। गाइस, मुझे नहीं लगता कि ये कार ज्यादा देर तक टिक पाएगी, कहीं ये किसी दीवार से टक्कर मार गई ना तो ये पूरी की पूरी चूर हो जाएगी। अबे रुक जा रुक जा रुक जा, भाई साहब काफी टफ है इसको चलाना है। गाइस फाइनली, गाइस रेंगते रेंगते मैं यहां पर आ चुका हूं। और ये ले भाई तेरा ये खतरनाक बर्गर वाला कार तेरे पास आ चुका है, मेरे $100 मिलियन जल्दी से मेरे बैंक अकाउंट में डाल दे। अब मेरे पास थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं है कि मैं कोई तेरा दूसरा काम कर पाऊं, जल्दी
जल्दी से पैसे डाल, नहीं तो मैं तुझे ही ठोक डालूंगा। अरे बेटो गुस्सा क्यों होता है, ये ले तेरे सारे के सारे $100 मिलियन जो कि मैंने तेरे अकाउंट में डाल दिए हैं। और भाई साहब अगली बार भी तुझे पैसे की जरूरत होगी तो मेरे पास चले आना, मेरे पास ढेर सारे काम है। तो चलो गाइस, हम लोगों को हमारे पैसे मिल चुके हैं, अब अपना टाइम आ चुका है गाइस कि हम लोग सबसे टॉप मॉडल वाला सूट अपग्रेड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन लोग को कौन सा सूट मिलता है। ओ भाई साहब, ये वाला सूट तो काफी ज्यादा तगड़ा है गाइस। अरे बाप रे, ये तो सुपर ब्लू डीमन हल्क सूट है गाइस, इसमें तो काफी ताकत होगी। चलो यार, अब मेरे को अपने खतरनाक सूट मिल चुका है, अब अपन लोग सीधे चलते हैं फाइट करने के लिए। भाई साहब वो खतरनाक चूचू चार्ल्स ट्रेन से, भाई अब तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। क्या बात है चूजी, तेरे में इतनी ताकत आ गई कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गया, पर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तू जिंदा नहीं बचने वाला। अभी यार ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है भाई, मेरे इतने खतरनाक सूट के बाद भी मैं इसे फाइट नहीं ले पा रहा गाइस। बट यार हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी इस सूट के लिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए गाइस हम लोगों को इस ट्रेन को हराना ही पड़ेगा और इसे बताना पड़ेगा। ओ नहीं यार भाई, ये तो लेजर भी फेंक रहा है। हाँ तो तुझे क्या लगा था तेरी फाइट किससे है, मैं डीमन वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डीमन हूँ। ओए अगर तू डीमन वर्ल्ड का डीमन है तो मैं डीमन वर्ल्ड का हल्क हूँ, और तुझे अब पता लगेगा तूने किससे पंगा ले लिया। ओ भाई साहब ये तो काफी तगड़ा है यार, इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुक जाओ यार, सोलर फ्लेम यूज करता हूँ गाइस। ओ तेरी गाइस, इसको देखो झटके पड़ रहे हैं भाई, ये वाला अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं इसके पेट के नीचे जाकर के ये अटैक कर दूं तो शायद ये खत्म हो जाए, बट यार ये तो मुझे मौका ही नहीं दे रहा है। तुझे मेरी कमजोरी पता चल गई है, अब तुझे जल्दी मरना होगा। बेटे मैं तुझे आज नहीं छोड़ वाला, तुझे पता ही नहीं है तूने किससे पंगा ले लिया, मुझे काफी जोड़ों की गुस्से आ रही है। भाई मैंने तुझे पहले बताया था कि हार मान ले। ओपी नहीं यार, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है मुझे। चलो गाइस एक फाइनल सोलर ब्लास्ट के यूज करते हैं और शायद इस सोलर ब्लास्ट से ये खत्म हो जाए, बट यार मेरे को मौका चाहिए इस सोलर ब्लास्ट यूज करने के लिए, तो मुझे मौका ही नहीं दे रहा। अरे रुक जाओ यार गाइस, थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा हम लोगों को, और अब टाइम आ चुका है गाइस, अब हम लोग सोलर फ्लेम यूज कर सकते हैं। और ये देखो भाई ये क्या हो रहा, अबे यार ये अटैक अच्छे से नहीं हुआ गाइस, अपन लोग को और भी ज्यादा सामने जाकर के सोलर फ्लेम यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। फाइनली गाइस ये उलट चुका है, एक और खतरनाक अटैक और ये पूरी तरह से जल करके राख हो गया गाइस। फाइनली हम लोगों ने इस खतरनाक जॉइंट चूचू चार्ल्स को यहाँ पर हरा दिया यार। भाई मुझे लगा नहीं था कि मैं इसे हरा भी पाऊंगा, ये काफी ज्यादा तगड़ा था। बट गाइस अपन लोग का ये डीमन ब्लू सुपर हल्क काफी कमाल का, इसमें काफी ज्यादा पावर थी यार, इसने फाइनली उसको हरा दिया। तो गाइस आखिरकार हमारा मिशन यहाँ पर पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही, होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना गाइस। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो अभी तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में नंबर 11 लिख दो, जिससे हमें पता चल जाए गाइस कि आप लोग हमारे वीडियो को आखिर तक देखते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो में।